सर ये कराची कब सही होगा? जब आप सही करेंगे कराची सही हो जाएगा। आपके घर में अगर बदनजमी है, आपके घर में अगर गटर बंद है, पानी नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं? आप कारीगर बुलाते हैं, उनको सही करवाते हैं, घर को मेंटेन करते हैं। जो कराची में रहते हैं वो ही अगर अपने अपने घर को मेंटेन नहीं कर पाते तो क्या होगा? आसमान से लोग आएंगे सही करने के लिए? आपका जो सवाल है इस पे जरा आप एक चीज पे गौर करें आप कि कराची में हुकूमत किसने की और कितने साल हुकूमत की। तो जिन लोगों ने कराची में हुकूमत की मेरे ख्याल में ये सवाल तो उनपे बनता है। उनसे पूछे भाई आपने इतने साल हुकूमत की आपने कराची के अंदर, तो ये कराची के हालात ऐसे क्यों है? अगर आप इसका कुछ सियासी जवाब चाह रहे हैं जिससे कोई इंतजामिया का क्या हो, तो मैं आपको बताऊं, जब तक आप लोकल बॉडी इलेक्शन ना कराएं और लोकल बॉडीज को आप जब तक पावर नहीं दें, तो कराची क्या दुनिया का कोई शहर सही नहीं हो सकता। लोकल बॉडीज में ये है कि आपकी जो लीडरशिप है जिसको आप इलेक्ट करते हैं, यानी कि काउंसलर लेवल की, वो बिल्कुल आपके मोहल्ले तक की लीडरशिप होती है। उन तक जब पैसा आएगा तो आप जाके अपने मोहल्ले के काउंसलर को पकड़ सकेंगे, भाई ये हालात ऐसे खराब हैं या गटर बंद हुआ है या रोड टूटे हुए हैं, हमारे पास अस्पताल नहीं है, क्लिनिक नहीं है, कोई बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। तो आप जब लोकल काउंसलर से पीछे पड़ेगी तो वो जनाब मजबूर हो जाएंगे इसको सही करने में। अब ये है कि सूबाई असेंबली के पास सारे पैसे आते हैं, काउंसलर लेवल तक तो जाते ही नहीं है, आपके पास लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है। अब सूबाई लेवल पे जब आते हैं तो वो पैसा भाई ऊपर ही ऊपर वहां से गायब हो जाता है। वरना आप देखिए जो जो तनख्वाहें मिलती है एक सूबाई असेंबली के मेंबर को और उसका रहन सहन देखे आप, उनके महरात देखे आप, तो कहां से आते? जब तक वो सूबाई असेंबली में नहीं थे उससे पहले वो कहां रहते थे, और अब वो असेंबली में आ गए हैं तो अब वो कहां रह रहे? पहले उनका स्टैंडर्ड क्या था रहने का, अब उनका स्टैंडर्ड क्या है रहने का? आपको जवाब मिल जाएगा। तो जब तक लोकल बॉडीज नहीं बनेंगे कराची सही नहीं हो सकता। सूबाई असेंबली देखिए, आप कराची की बात करें, कराची के एमपीएज है, बाकी सिंध के शहरों के एमपीएज है, वो पैसा एमपीएस तक आता है, अब वो आगे ट्रिकल डाउन नहीं करता डेवलपमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट ने बना लिया कि ये फ्लाईओवर बनेगा, अब ऐसे थोड़ी शहर बनते कि आपने दो चार फ्लाईओवर बना लिए कि जी बड़ी तरक्की हमने ले ली। अब लियारी के अंदर वो पानी का पिछले कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि जी मंसूबा है, वो मंसूबा बनेगा, वो अब मंसूबा ही रह गया। कोई पानी नहीं है लियारी के लोगों के पास, आप लियारी के लोगों को छोड़ दीजिए, हम जिधर रहते हैं पीसीएचएस ब्लॉक 6 के अंदर, इधर पाइप पे पानी नहीं आता, टैंकर ले लेके डाल रहे। तो इस तरह कोई शहर चलते? अच्छा टैंकरों के लिए पानी है, पाइप के लिए पाइपलाइन में पानी नहीं है, पता चलता है कि यहां भी माफिया लगी हुई है। तो भाई लोकल बॉडीज हो गए तो लोकल बॉडीज का काउंसलर क्या करेगा? वो जाके हाइड्रेंट बंद करा देगा, भाई ये बंद करो तुमने जो इलीगल हाइड्रेट कराया है, लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा नलकों के जरिए। काउंसलर इतना इफेक्टिव होता है, आपने वो मशीन वो दांत आपके जो इस चीज को सही कर सकते थे आपने उसको कर दिया, तो फिर अब क्या होगा? जब आपके पास दांत ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप तो एक्शन ही नहीं कर सकते, आप तो चुहा नहीं निकल सकते बगैर दांत के। तो ये तो बहुत मोटी सी बात है, आप लोकल बॉडीज लेके आए, बजाय इसके कि मैं लोगों की जात पे तनकीद करूं उसका कोई फायदा नहीं। जो भी आएगा वो खाएगा, चाहे जिस पार्टी का हो उसको मौका लगेगा वो खाएगा। किसको अच्छा लगता है 100 80 गज 50 गज में रहने को?
हराम तो मुंह पर लग गई है हर एक के, वो खाएगा और महल बनाएगा। आप लोकल बॉडीज बनाएंगे तो आपकी हुकूमत कामयाब होगी और आपके कराची शहर और बाकी शहरों में भी, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, वहां भी इम्प्रूवमेंट उसी सूरत में आएगी जब आपके पास लोकल बॉडी हो। मजीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गबोल ऑन पॉलिटिक्स को विजिट करें।